फरीदाबाद की सेक्टर 28वीं आज संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में शिक्षा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे आचार्य अशोक द्विवेदी, वेद पारायण केंद्र अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर ने विद्यालय का दीप जलाकर और मंत्र उच्चारण कर शुभारंभ किया। विद्यालय का संचालन वैदिक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर आचार्य अशोक द्विवेदी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष रह चुके हैं, ने बताया कि आज लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसके चलते देव भाषा संस्कृत भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। आचार्य द्विवेदी का कहना था कि जब तक हमें अपनी भाषा और संस्कृति का सही से ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सही रास्ते पर नहीं जा सकते, इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं कि एक माँ नीलम संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो रही है, जिनमें आपका सोच है, आपका विचार है, कमेटी भी इसके आगे बहुत अच्छी है। कमेटी ये कह रही है कि यहाँ जो हमारा जो विद्या लुप्त हो रही है, जैसे अभी देखा जाए तो हरियाणा में संध्या गायत्री जप करने वाले मुश्किल से 50 भी पूरा नहीं होंगे पूरे हरियाणा में। यदि विवाह कराना होगा तो 20 पंडित से ज़्यादा कोई हरियाणा में नहीं है। यदि यहाँ पर श्राद्ध कराना होगा तो नहीं है, तो हिंदुओं के सारे संस्कार काल कवलित हो गया। यदि उस कार्य में एक छोटा सा चिंगारी आ रहा है तो हमारा आपका दायित्व है कि उसको हम महाज्वाला बनाएं। वहीं इस मौके पर आचार्य कमलेश मिश्र ने बताया कि यहाँ पर सभी बच्चों की शिक्षा बिल्कुल फ्री रहेगी और समय समय पर उनको अन्य जरूरत का सामान भी दिया जाएगा। संस्कृत तो मैं ये चाहता हूँ कि यत्र कुशलम तत्रास्तु व्योर्दिशि मंगलम, मैं कुशल से हूँ। संस्कृत का पतन हो गया, लुप्त नहीं होती जा रही। देव भाषा का तो बिल्कुल पतन ही हो रहा, टोटल पतन हो गया है। देव भाषा को कौन जानता है आज की डेट में? कोई नहीं जानता है। और सब लोग धर्म के ऊपर प्रगाढ़ करते हैं, धर्म में चलने का मार्ग पता नहीं कि कैसे जाना कैसे नहीं जाना है, और भेड़ चाल में चल लेते हैं। तो धर्म का जब तक मार्ग पता नहीं होगा हमको, तब तक हम किसी प्रकार के धर्म को कैसे कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि हम क्या हैं और दूसरा क्या है। तो जब हमारे अंदर वो परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा का जो असली स्वरूप है वो शास्त्रों से ही मिलना है देखने के लिए। तो जब मंत्रों में देवताओं का स्वरूप वर्णन आया है, तो स्वरूप का वर्णन है। स्वरूप जब देख लेंगे तो हमारी आस्था बढ़ेगी। तो जब देव भाषा का ज्ञान ही नहीं, तो कैसे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा। बता दें कि संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं को जन्म हुआ है। वेद सहित अन्य प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। ऐसे में विलुप्त होती संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए इस संस्कृत विद्यालय का शुरू किया जाना निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।